कर्नाटक में ऐसे घेरना चाहती है कांग्रेस। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ राज्य के कांग्रेसी मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने भाजपा को चारों तरफ से घेरने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। सिद्धरमैया कर्नाटक के वोटरों के पास चार मुद्दों का चतुराई से पासा फेंक सकते हैं। कांग्रेस का लिंगायत कार्ड। हिंदू धर्म से अलग धर्म का लिंगायत को दर्जा देकर सिद्धरमैया ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। भाजपा के राज में सिरमौर येदुरप्पा चाहकर भी सिद्धरमैया के इस दाव का विरोध नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब कुछ वर्ष पहले भाजपा से नाराज होकर येदुरप्पा ने अपनी अलग पार्टी बनाई थी, तो इस नई पार्टी के घोषणा पत्र में भी लिंगायत को एक अलग धर्म का दर्जा दिलाने की बात कही गई थी। येदुरप्पा स्वयं एक लिंगायत हैं और राज्य में लिंगायत वोटों का प्रतिशत तकरीबन 18% है, तो येदुरप्पा या भाजपा लिंगायत समुदाय को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती। कर्नाटक को अलग झंडा। सिद्धरमैया ने कर्नाटक को अलग झंडा दिए जाने की संवैधानिक मंजूरी के लिए अपना अनुमोदन केंद्र सरकार के पास भेज दिया है। अब गेंद केंद्र के पाले में है और भगवा कर्णधार ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि दक्षिण भारत में क्षेत्रीयता का उभार किस हद तक है। कावेरी के जल पर राजनीति। कावेरी पर सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से राजनीति सिद्धरमैया सरकार की मांछे खिल गई हैं। कावेरी के पानी पर कर्नाटक के ज्यादा अधिकार को परिभाषित करने वाले इस फैसले का कांग्रेस चुनावी दोहन करना चाहेगी। 5 साल किसानों पर मेहरबान। देश भर में जहां खेती किसानों पर मुश्किलों का साया मंडरा रहा है, वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने किसानों पर विशेष अनुकंपा दिखाई है। न सिर्फ राज्य के किसानों का 50,000 तक का कर्ज माफ हुआ है, वहीं राज्य सरकार की वजह सिंचाई से संबंधित रैयत बेलाकू योजना से राज्य के 70 लाख किसानों को लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है।